नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं भाई 12:30। पहला पिकअप हमने अपना रुद्रा ग्रीन से पिकअप किया था और बर्रा फर्स्ट में ला के छोड़ा है, जिसका कि बिल 260 रुपये बना हुआ है और उसमें से 220 रुपये हमको ऑपरेटर के मिले हुए हैं। भाई किस्मत ही बहुत बुरी है, एडवांस बुकिंग हमारे पास 4 घंटे की रेंटल प्राइम की आई हुई थी, उसके बाद क्रॉसिंग बंद थी। जब क्रॉसिंग खुली तो फिर हम कस्टमर की तरफ आगे बढ़े, एडवांस में बुकिंग आई हुई थी, कस्टमर से हमने फ़ोन मिलाया। पहली बार में तो पिक नहीं किया, दूसरी बार में पिक किया, उसके बाद बात हुई, बोले भैया आप आगे चले जा रहे हो। हमने कहा हाँ भैया आपकी बुकिंग एडवांस में आई हुई है, हम इनको ड्रॉप करने के बाद फिर आपको पिकअप करने आएंगे। बोला कितना समय लगेगा? हमने 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि इनको 10 मिनट लगेगा, जाएंगे छोड़ेंगे उसके बाद लौट के आपके पिकअप करेंगे आके, 10 मिनट आने का मतलब लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। बोलो भैया इतना समय तो हमारे पास नहीं है। तो हमने कहा फिर आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो अभी कैंसिल हो नहीं पाएगी, हम जब राइड कंप्लीट करेंगे ये वाली उसके बाद ही आपकी बुकिंग शो करेगी, उसके बाद ही हम कैंसिल कर पाएंगे। तो बोले ठीक है अच्छा मैं किए देता हूँ। तो उधर से उन्होंने बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दी और हमारा जो है घाटा हो गया, क्योंकि उस बुकिंग में जाते रेंटल की बुकिंग थी, अच्छा खासा बिल बनता, मज़ा आ जाता, लेकिन कहते नहीं जो किस्मत में होता है वही मिलता है। किस्मत से समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी कुछ नहीं मिलता है। तो भाई वही हमारे साथ हुआ है, बुकिंग तो आई अच्छी लेकिन वो हमको हमारी किस्मत में थी नहीं, चली गई। अब हम वेट कर रहे हैं दूसरी बुकिंग का, देखते हैं कितनी देर बाद आती है। कल का तो भाई समय बहुत ख़राब था, 400 की प्राइवेट की थी, 400 की ऑनलाइन की थी, 800 रुपये में सारा दिन का काम हमारा निकल गया। अब देखते हैं कौन सा दिन ख़राब जाता है, क्योंकि अब ऐसा ही होगा, अगर जो प्राइवेट काम है तो अच्छा जाएगा, प्राइवेट काम नहीं है तो फिर हमारा वो दिन ख़राब जाएगा। तो अब आज तो हमारे पास कोई प्राइवेट काम अभी एडवांस में लगा नहीं है, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है और करते हैं बुकिंग का इंतज़ार, और फिर बुकिंग कंप्लीट करके फिर आपको बताते हैं कि कितने क्या राइड आती है, कितना ऑपरेटर बनता है और कितनी हमारी गाड़ी चलती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कुछ समय के बाद। हाँ भाइयों, बज गए हैं अब 2 और एक राइड हमने और कंप्लीट कर ली है, ओला में प्राइम की बुकिंग थी, एक ओला में एक उबर में, टोटल 380 रुपये का काम हो चुका है। और भाई बुकिंग जो है 2-2 घंटे के घंटे रुक रुक करके आ रही है, तो शाम तक हमें लग रहा है कि शायद 5-6 राइड ही हो पाए, क्योंकि 2 राइड हो पाई, 2 बजने वाला है और 4-5 घंटे में 3-4 राइड और हो पाएंगी, क्योंकि 1 घंटे रुक रुक के बुकिंग आ रही है, तो फेयर भी बहुत कम बन रहा है। वो तो हम प्राइम की बुकिंग लेके आए तो 160 रुपये हमको ओला ने दिए 9 किलोमीटर के, शायद मिनी की लेके आते तो 9 किलोमीटर के 100 रुपये ही देती, तो मिनी कैटेगरी कर रखी है हमने बंद और सिर्फ प्राइम की बुकिंग ही हम चला रहे हैं। बर्रा 1 से लेके आए थे, यहाँ जेड स्क्वायर भी ड्रॉप किया, जेड स्क्वायर पे जगह थी नहीं गाड़ी खड़ी करने की, तो इधर SBI के पीछे वाली गली में आ गए हैं, कचहरी वाली गली में, यहीं पे हम खड़े होकर कर रहे हैं वेट। 2 बुकिंग हो चुकी हैं तीसरी बुकिंग का, अब देखते हैं तीसरी बुकिंग कितनी देर बाद आती है और फिर उसका एस्टीमेट हम आपको बताते हैं। भाई आज दिन है जो है बुधवार का और काफ़ी समय भी हो चुका है, 2 बजने वाले हैं, काम बहुत धीमा है, रुक रुक के काम आ रहा है, तो देखते हैं अब क्या हो सकता है। वैसे उम्मीद तो नहीं लग रही कि कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन अब ड्यूटी है तो मतलब काम तो करना ही है 10-12 घंटे, तो शाम को देखते हैं कैसा क्या हो पाता है, जैसा होता है वैसा हम आप लोगों को ज़रूर जो है अवगत कराएंगे वीडियो के माध्यम से। और भाई हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं, भाई लाइक वगैरह कमेंट वगैरह करे करें, जो हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, और भाई जो नए लोग हैं चैनल को हमारे नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकॉन में जो है नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास सबसे पहले हमारे वीडियो आते रहेंगे, और कमेंट वगैरह भी किया करें भाई, ताकि हमको आगे मालूम चले कि भाई वीडियो आपको कैसा लगे। ठीक है भाइयों, बस इतना कहना चाहते हैं। हाँ भाइयों, हम IIT के अंदर OET में आ गए, हॉल 2 के बगल में है ये,
ये ग्राउंड के बगल में, वो देखिए ग्राउंड में बच्चे लोग हैं सामने, लेकिन धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। ये हमारे बगल में ओईटी है, 4 घंटे की रेंटल में है, वहीं जो है जेड स्क्वाड ड्रॉप करने के बाद वहीं खड़े हो गए थे जो है माल लोड के पास से। हमने पिकअप किया इनको, और पिकअप करने के बाद फिर इनको स्वरूप नगर ले गए। स्वरूप नगर लाने के बाद फिर इनको आईटी में ओईटी आए हुए हैं, और यहीं पे हम खड़े हैं, देखते हैं कितने बजे हम कुछ होते हैं। वैसे 4 घंटे की रेंटल थी, 2 बजे हमने रिसीव किया था, पिकअप किया था, 6 बजे तक का इनका टाइम है, और अगर ज़्यादा रोकेंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, प्लस होके आएगा, ऐड होके आएगा। 1000 रुपये दिखा रहा था 4 घंटे का, प्राइम की बुकिंग थी। और अगर जो 4 घंटे से कम भी रोकते हैं तब भी पैसा वो पूरा फेयर आएगा ही। और अभी तक हम यहाँ तक जो है हम चल चुके हैं 22 किलोमीटर, और यहाँ से बोल रहे हैं अब सीधा हमको ब्रांच छोड़ना चल के, ब्रांच जो कि माल रोड पे है जहाँ पे से हम इनको पिकअप किए थे। भाई ये क्या बवाल है, हेलीकॉप्टर है भाई, आईटी में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो भाई अभी हम यहीं पे खड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, मोर वगैरह, लीलगाय वगैरह, और काफ़ी बड़ा कैंपस है, कई किलोमीटर के एरिया में है ये हमारा कानपुर आईटी, जो कि इंडिया में 3रे-4थे स्थान पे आता है आईटी कानपुर। बहुत ही अच्छा शिक्षण संस्थान है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी इसमें, और यहाँ का जो है वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, हरे भरी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और बढ़िया एकदम मज़े में रहते हैं स्टूडेंट है यहाँ पे। यहाँ का ये ग्राउंड है, पता नहीं क्या कौन सा खेल हो रहा है, बच्चे लोग खड़े हैं, इसमें तो जूम भी नहीं होता फ्रंट कैमरे में, नहीं तो हम आपको दिखाते। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। हाँ भाई, और रात के बजने वाले हैं 7, और हमने जो है बुकिंग पूरी कर ली है जो है, अपना राजेश भी आ गया, 1400 रुपये काम कर लिया है। अभी एक उबर का काम आया हुआ है, लेकिन उसको लेकर के हम जा नहीं रहे क्योंकि घर के पास आ रहे हैं, घर के पास आ गए, सीधा घर की तरफ जाएंगे। राजेश अपना, और बता कितने काम किए? काम पेमेंट कर कर ले भैया। बना तो वो कितने बना? अभी जोड़ा नहीं, 1 लीटर तेल, 16 लीटर बनाया। 1600 रुपये की हो गया, 800 रुपये गाड़ी का, 2400 रुपये। हमसे तो अच्छा इसका रहा यार, हमारा 1400 का हुआ, इसका 2400 रुपये हुआ है काम। तो दोनों भाई यहीं सिंहपुर में खड़े हैं, अब हम लोग दोनों लोग जा रहे हैं सिंहपुर घर की तरफ, ये अपने घर और हम अपने घर, कल देखा जाएगा। रोड किनारे खड़े करके जो है अभी क्लाइंट लोकेट दबाया है, बुकिंग कैंसिल करके तब घर की तरफ जाएंगे, अभी तो यहीं खड़े हैं जो लोकेशन पे कस्टमर के, लेकिन कस्टमर का अभी तक फ़ोन नहीं आया है, और फ़ोन आएगा तो जाएंगे भी नहीं क्योंकि अब तो घर जा चुके। वो तो एक जो है धोखे से बुकिंग उठ गई थी ऊबर में, ये बहुत ख़राबी है भाई कि अपने आप ही बुकिंग उठ जाती है, समझ में नहीं आता है कि बुकिंग उठ कब गई, कहीं भी हाथ लग जाए वो बुकिंग फटाक से उठ जाती है। सोच समझ काम करने, अब रात के वीडियो में देखो लाइट भी नहीं आ रही प्रॉपर, तो अब क्या है कि हमें ये पूरा तो वीडियो करना ही था, हमने चलो 2 मिनट का बना लेते हैं, तब तक राजेश भी अपना आ गया, टॉयलेट किए ही थे, और ये तो भैया अपना उधारी में काम चला रहा है, कल ये गाड़ी जो है पेमेंट कर लेगा जाके, आज ये काम कौन, पार्टी कौन सी थी बे? अच्छा, हमने कहा भाई मेट्रो वाला तो नहीं था, यादव जी है। अच्छा यादव जी है, तो फिर ठीक है, फिर तो बिरादरी का यार मामला आ गया, फिर तो अलग की बात है। चलो ठीक है भाई, अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक सभी भाइयों को गुड नाइट, राम राम, शुभ रात्रि भाइयों।